डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय अनुसार 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, किंतु इसने अपना वास्तविक कार्य 1 मार्च 1947 से प्रारंभ किया था। आईएमएफ के वर्तमान निदेशक और अध्यक्ष बल्गेरियाई अर्थशास्त्री कस्टेलिना जॉर्जिवा हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2019 से अपना कार्यकाल पद संभाला है। इससे पहले क्रिस्टिना लेगार्ड इसकी प्रबंध निदेशक थी, जिन्होंने वर्तमान में आईएमएफ की कुल 189 सदस्य देश हैं। नारू देश 189वें देश के रूप में सम्मिलित हुआ था। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौता अनुच्छेदों के अनुसार उसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उनमें एक है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। विभिन्न देशों में जो आपस में उनके जो सदस्य देश हैं, उनमें एक मौद्रिक सहयोग की स्थापना, सहयोग प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, बहुपक्षीय भुगतानों मल्टीलेटरल पेमेंट्स की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को स्थापित करना अथवा उनको कम करना, सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अस्थायी तौर पर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। कई बार बहुत से सदस्य देश हैं जिनका जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है, उनको आईएमएफ समय समय पर सहायता प्रदान करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय अदायगी के संकट के समय असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में भी कमी करना। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन की बात आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नियंत्रण एवं प्रबंध एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित होता है। प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर को मनोनीत करता है, जिन्हें मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन होता है। इस मनोनयन के साथ ही एक वैकल्पिक गवर्नर का भी नियुक्ति की जाती है, जो मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में मतदान करता है। प्रत्येक गवर्नर को उसके देश को प्राप्त कोटा के आधार पर मताधिकार का जो अधिकार है वो कोटा के आधार पर निर्भर करता है। प्रत्येक गवर्नर का 250 मत सदस्यता के तथा उसके देश को प्राप्त कोटे में प्रत्येक 1 लाख एसडीआर पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। इन दोनों का योग ही सदस्य राष्ट्र के मताधिकार को व्यक्त करता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अधिक मत देना का अधिकार धनी एवं औद्योगिक देशों को मिला हुआ है, क्योंकि उन्हीं के कोटे की राशि अपेक्षाकृत अधिक है। आमतौर पर वर्ष में एक बार सितंबर अक्टूबर में इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों में सर्वाधिक महत्व सदस्य देशों को आवंटित कोटा के ऊपर निर्भर है। 1971 तक मुद्रा कोष के समस्त अभ्यंशों तथा इससे निकाली जाने वाली सहायता राशियों को डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता था, किंतु दिसंबर 1971 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समस्त लेन देन विशेष आहरण अधिकार स्पेशल बैंक राइट्स के रूप में व्यक्त किए जाने लगे। 1971 में एक डॉलर को एक एसडीआर के समान माना गया था, किंतु डॉलर का मूल्य गिरने के कारण अप्रैल 1995 के अंत में एक एसडीआर का मूल्य है वो 1.58 डॉलर हो गया था। डॉलर के मूल्य गिरावट के साथ इसकी जो वैल्यू है, इसका मूल्य है, बदलता रहता है। 1 जनवरी 1981 से एसडीआर का मूल्य 5 सबसे बड़े जो निर्यातक सदस्य देश हैं उनकी मुद्राओं यानी यूएस डॉलर, मार्क, येन, फ्रेंक, पाउंड स्टर्लिंग की जो समूह है या बास्केट है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो कोटा है वर्तमान में 2.7% है, और सबसे जो अधिक कोटा है वो यूएसए का 17.46% है। इसके बाद जापान का 6.48% है और चाइना का 6.4% है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका या प्रभावी भूमिका अदा करता है अमेरिका है, क्योंकि उसका कोटा सर्वाधिक है।
जब भारत के बारे में बात करते हैं, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से घनिष्ठ संबंध रहा है और उसकी नीति निर्माण एवं कार्य संचालन में भारत का निरंतर योगदान रहा है। समय समय पर आर्थिक सहायता और परामर्श द्वारा भारत मुद्रा कोष से लाभान्वित भी हुआ है। भारत कोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर होता है और आरबीआई भारत का आईएमएफ में दूसरा गवर्नर है। आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है जो अन्य तीन देशों बांग्लादेश, श्रीलंका तथा भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। 1970 तक भारत अधिकतम अभ्यसों वाले प्रथम पांच देशों में से था और इस नाते उसको कार्यकारी निदेशक मंडल में स्थायी स्थान प्राप्त था। अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर निष्पादन के परिणाम स्वरूप अब तक हुए विभिन्न कोटा पुनरीक्षणों में कोष के कोटा धारकों में भारत का स्थान 11वां हो गया है। नटसेल में हम ये कह सकते हैं, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन है वो उसके सदस्य देशों में आर्थिक और वित्तीय सहयोग, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए अपनाए गए विशेष उपाय और किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, इन सभी के लिए वो निरंतर प्रयासरत है और समय समय पर उनका सहयोग करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर बढ़ाने के लिए समय समय पर सुझाव भी देता है और सदस्य देशों द्वारा उन पर अमल भी किया जाता है। इस तरह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक और जो वित्तीय सहयोग और वित्तीय सुधार जैसी समस्याओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। थैंक यू।